हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले वीडियो में आपने देख लिया है कि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको उपलब्ध। अब इस वीडियो में ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट लेडर्स क्या है, और अगले स्टेप में हम कहाँ पहुँचते हैं, किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। तो कैथोड रे डिस्कवरी हो जाने के बाद लोग, ये तो क्लियर था लोगों को कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो अंडरस्टूड है कि विद द रिलीज ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शुड आल्सो रिलीज फ्रॉम द एटम और इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हुआ क्या कि जैसे लास्ट में हमने देखा था कि हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, और हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड का कंसेप्ट ये देखा था कि गैस का आयोनाइजेशन हुआ, लेट हाइड्रोजन गैस है तो H प्लस आयन भी बने थे, दीज H प्लस आयन्स आर द नोन एज प्रोटॉन। तो वही कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए गोल्डस्टीन ने एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया डिस्चार्ज ट्यूब। इस बंदे ने किया क्या कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल कैथोड था, उस नॉर्मल कैथोड की जगह पे परफोरेटेड कैथोड का यूज़ कर लिया, यानी ऐसा कैथोड जिसमें होल्स हों, छन्नी जैसा बारीक होल, तो परफोरेटेड कैथोड का यूज़ कर लिया। जब परफोरेटेड कैथोड का यूज़ कर लिया तो बंदे ने देखा कि जैसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड रेज निकल रही थी तो एनोड के पीछे की वॉल में फ्लैश ऑफ लाइट हो रहा था, सिमिलरली अब एनोड की तरफ से भी कुछ रेस निकल रही हैं और कैथोड की दीवार के पीछे भी फ्लैशेस हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब उसको हमने कैथोड रेस रिफर किया तो ये अब एक नई रेस बन गई, और इसको हमने कहा एनोड रेस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो ये है कि कैथोड रेस तो कैथोड से निकलती हैं, और ये 100% गारंटी है कि कैथोड रेज आर द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की एक वेव रेज है। लेकिन जब बात एनोड रेज की आती है तो ऐसा नहीं होता। पहली बात तो एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, हमने सीखा कि एनोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैसियस मीडियम फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैसियस मीडियम आप लोगे, उस गैसियस मीडियम से एनोड रेज बनेंगी, वो कभी भी एनोड से रिलीज नहीं होती। दूसरा कि एनोड रेज जब बनती हैं तो जो नेचर ऑफ द एनोड रेज है वो डिपेंड करता है गैस फील्ड इन द ट्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इसमें ये चीज कि जब आप जनरल प्रैक्टिस में बात करोगे तब तो ये क्लियर है कि एनोड रेज का मतलब है कि प्रोटॉन, जनरल वे में प्रोटॉन बोलता आदमी। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन गैस का यूज किया है तब तो प्रोटॉन, लेकिन हीलियम गैस का अगर मैंने यूज कर लिया है तब फिर प्रोटॉन नहीं, तब फिर अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और कोई दूसरी गैस यूज किया तो अलग पॉजिटिव पार्टिकल निकलेगा। यानी आपको ये दिमाग में बैठाना है कि एनोड रेज नेवर प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड, व्हाइल दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैसियस मीडियम फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, एंड द नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर कि जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन गैस का यूज कर लिया है तो गैस के आयोनाइजेशन के बाद हाइड्रोजन एटम मिलेगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद मुझे H प्लस मिलेगा, और H प्लस इज नोन एज प्रोटॉन। लेकिन अगर हीलियम गैस भर दिया है तो उसमें आप जानते हो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको अब H2+ मिलेगा, यानी डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस। ऐसे केस में इस चीज को हम जानते हैं कि हम इसको अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं, यानी जो नेचर ऑफ द एनोड रेज है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। यानी आप ये ध्यान रखो कि कैथोड रेज आर द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, व्हाइल एनोड रेज आर, जब बोला जाता है तब स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चा है उसके लिए तो एनोड रेज का मतलब भाई प्रोटॉन होता है। क्लियर, बट कॉम्पिटिशन्स में जब आप जा रहे हो तो आप इतना अपने आप को फिल्टर रखो
कि अगर एनोड रेस की बात कर रहे हैं और एनोड रेस की बात करते समय गैस का नेचर बदल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा, उसका चार्ज, मास, आइडेंटिटी, स्पेसिफिक चार्ज, एवरीथिंग। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड बट एनोड रेज आर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड। कैथोड रेज आर मेड अप बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स व्हाइल द एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन द ट्यूब। यानी आपने ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी है उससे हम एनोड रेज का डेटा डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बात आई प्रॉपर्टीज की, तो एनोड रेज में अब वही प्रॉपर्टीज कंसेप्ट यूज करेंगे जो कैथोड रेज में ऑलरेडी आपने यूज किया है। यानी वही ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ मेड अप बाय मास पार्टिकल, सो ऑलवेज सो हीटिंग इफेक्ट causes ionization of the gaseous medium from which these pass, fogging, scintillation, everything is similar। बस ये तो understood है कि वो negative charge थी और anode ray positive charge। इनमें जो database है वो आपको clear होना चाहिए कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि let कि anode ray hydrogen gas enclosed होने के बाद बनी है और anode ray यानि मैं ये assume करके चल रहा हूँ कि proton है, तब फिर वो डेटा क्या होंगे वो आपको एकदम रटे होने चाहिए। तो जब मैं एनोड रेज बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम लाइक इक्वल टू एज इलेक्ट्रॉन, बट इट इज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड अगर मैं बोलूँ मास बताओ आप, तो बोलोगे प्रोटॉन का मास 1 amu होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ kg which is 1837 times higher than the mass of electron। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 times greater होता है, ज्यादा होता है। amu होता है 1 amu is the least measurable unit mass for एलिमेंट्स, तो 1 amu मान के चलते हैं अपन 1.67 × 10⁻²⁷ kg। स्पेसिफिक चार्ज, जब मुझे चार्ज और मास दोनों मालूम हो जाता है तो 1.602 × 10⁻¹⁹ अपॉन 1.67 × 10⁻²⁷ kg। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 9.58 × 10⁻¹⁷ कूलम पर kg। तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अप्रॉक्स 9.58 × 10⁻¹⁷ कूलम पर kg है, जबकि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हमें मिल रहा था कितना, 1.76 × 10⁻¹⁹ कूलम पर kg। ये आपको याद है? ठीक है, अब एनोड रेज और कैथोड रेज में आपने कंपैरिजन कर लिया। बहुत ब्रॉड कंपैरिजन नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ही आप आगे बड़ी बातों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट अब आते हैं एक नई बात पे कि यार डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये सुनने में बहुत बहुत बड़ी बात है कि डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो ये कि अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बहुत ही ब्रीफ में रखा गया है कोर्स में। बाकी फिर आप जब रेडियो एक्टिविटी डिटेल चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, तब आप उसके बारे में बहुत इलस्ट्रेटेड फॉर्म पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी में आपने 9th और 10th में भी हल्का फुल्का देखा है कि क्या इतिहास है, वो हमको जानना है। इतिहास में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तीन तरह के रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल बोल दूँ कि गामा रेज बोल दूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अभी लास्ट वीडियो में जब मैं कैथोड रेज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको ये क्लियर हो गया था कि मासलेस पार्टिकल मासलेस होते हैं, ये किसी पार्टिकल से नहीं बने होते हैं, ये एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो करती हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कई एग्जांपल हो सकते हैं, उसमें से एक गामा रेज है। तो अल्फा पार्टिकल होता है, गामा पार्टिकल होता है, और अल्फा पार्टिकल से मिलके जो रेज बन रही है वो अल्फा रेज है,
गामा पार्टिकल से मिलके बीटा पार्टिकल से मिलके जो बन रही है वो बीटा रेज है, बट गामा पार्टिकल नहीं होता। तो गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वाइल द अल्फा रेज, बीटा रेज, कैथोड रेज, एनोड रेज, दीज आर द मैटर वेव, ये मास पार्टिकल से मिलके बनी होती है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो आपने इतिहास देखा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैडम क्यूरी थी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में स्टडी कर रही थी, रदरफोर्ड तो थे ही, इनका बहुत सारा वर्क था, और बैकरल सबसे बड़ा नाम माना गया, हेनरी बैकरल, ये लोगों ने मिलके पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की। तो रेडियो एक्टिविटी है क्या, तो रेडियो एक्टिविटी को आप ये कहोगे कि मान लो कोई रेडियो एक्टिव सैंपल रखा है, इस रेडियो एक्टिव सैंपल से शॉर्ट टाइम में तुरंत इंस्टेंटेनियस रेडिएशन का निकलना रेडियो एक्टिविटी है, यानी शॉर्ट टाइम इंस्टेंटेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिविटी। क्लियर, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से शॉर्ट टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का इमिट होना रेडियो एक्टिविटी है। ये कंसेप्ट हमको क्लियर है कि यहाँ पर कुछ बातें मालूम होनी चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी में शॉर्ट टाइम इंस्टेंटेनियस इवन स्पॉन्टेनियस भी हम सब यूज कर सकते हैं कि अपने आप हो रहा है। आजकल जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना है उसको कंट्रोल्ड है, लेकिन जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो अनकंट्रोल्ड वे में हो सकती है। तो इसमें हम देखा कि एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो एक बॉक्स लिया, लेड ब्लॉक, और उस लेड ब्लॉक में, अब लेड ब्लॉक ही क्योंकि लिया तो ये भी सब आप डिटेल आगे सीखोगे कि लेड ब्लॉक क्या होता है, रेडियो एक्टिव स्टेबल सब्सटेंस होता है, तो इसके अंदर सब रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्रिजर्व सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसी पे आधार पे उनने लेड ब्लॉक का यूज़ किया। तो जब रेडियो एक्टिव मटेरियल को इस लेड ब्लॉक में रख दिया, लेड रेडियम दिया, और फिर सामने सर्कुलर डिस्क लगा दी, स्क्रीन लगा दिया, तो लोगों को ऑब्जर्वेशन हुआ कि तीन तरह के रेडिएशन हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रहे हैं, और कुछ सीधे सीधे चले जा रहे हैं। ये इतिहास है जो आपने ऑलरेडी सीखा है। जो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया था बीटा रेज, क्योंकि ये पक्का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बने होंगे, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल की ओर डेविएट हो रहे थे वो पक्का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, और इनको हमने नाम दिया अल्फा रेज। और जो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल के जा रहे हैं उनको अपन ने कहा ये चार्ज लेस है, और ये मास पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये सीधे सीधे जाके स्ट्राइक कर गए। तो तीन तरह के ऑब्जर्वेशन हुए। चित्र स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया है, आप उसको देखोगे। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है बच्चों, वो मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनूंगा, वो ये कि अगर मैं कहूँ कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसमें तीन तरह के आपको रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, अल्फा, बीटा एंड गामा। मैं कहता हूँ कि अल्फा, बीटा, गामा में से फर्स्ट रैंकर कौन है, पहले कौन निकलेगा? बोले यार ये तो क्लियर नहीं है, हम तो जनरली जब बोलते हैं तो अल्फा पहले बोलते हैं, फिर बीटा बोलते हैं, फिर गामा बोलते हैं, यानी यही क्या रैंक है इनके निकलने की? बोले ना, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में एटम के न्यूक्लियर फिनोमिना में, न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। न्यूक्लियस में या तो अल्फा पार्टिकल पहले निकलेगा या तो बीटा पार्टिकल पहले निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है पहले कौन निकलेगा। अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल पहले इमिट होगा और ये प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन पहले कौन निकलेगा इसकी तो लड़ाई है, अल्फा भी निकल सकता है, बीटा भी निकल सकता है, लेकिन अल्फा या बीटा पार्टिकल के रिलीज हो जाने के बाद एक्सेसिव एनर्जी एट न्यूक्लियस में इन जो होगी कलेक्ट नहीं हो सकती। तो ये क्या होता है, ये जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है उसी तरह से ये अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलते हैं, जब ये निकलेंगे तो एक्सेस ऑफ एनर्जी न्यूक्लियस में छोड़ेंगे,
एक्सेस ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियस में है तो ये नेचुरल बात है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगा के स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक एनर्जी के फॉर्म पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने लगती है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या नाम दे दिया गामा रेस। यानी कंसेप्ट फ्रॉम इन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव फिनोमेना फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, फर्स्ट इधर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इज रिलीज्ड, देन आफ्टर गामा रेज आर रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में न्यूक्लियस से पहले या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा बाय प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, देन आफ्टर द एक्सेसिव एनर्जी इनक्लोज इन द न्यूक्लियस रिलीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपागेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नोन एज गामा रेज। तो रेडियो एक्टिव फिनोमिना में ये बात आपको क्लियर हो गई कि पहले या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, कोई भी निकलेगा पहले, देन आफ्टर जो सेकेंडरी इफेक्ट होगा वो गामा रेज का होगा। क्लियर? तो आपको ये मालूम हो गया अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल से बनी है, बीटा रेज बीटा पार्टिकल से बनी है, बट गामा रेज आर नॉट मेड अप बाय एनी पार्टिकल। गामा रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इज मासलेस चार्जलेस। इतनी बातों को आप बैठा लो दिमाग में पहले। फिर जो बेसिक डिफरेंस है इनमें, वो बेसिक डिफरेंस पे चर्चा अपन कर सकते हैं कि भाई रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या हुआ। तो आपको कुछ बातों, ये तो इतिहास है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो डेटाबेस है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, तो ये क्या है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या तरीका होता है इनको बस दिखाने का। तो आप बोलोगे कि जैसे मैंने कहा अल्फा रेज, तो अल्फा रेज आपको मालूम है कि डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल कहते हैं, डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस। बीटा किसको कहते हैं, बोले यार इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो आएंगे उनको बीटा कहते हैं। तो छोटा सा बात मालूम होनी चाहिए कि अल्फा बीटा और गामा में, कि अल्फा को हम Hg2+ या सिंपल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा को हम E0-1 इलेक्ट्रॉन या β0-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका होता है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, और गामा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं चार्जलेस मासलेस। इसमें जो चार्ज होता है, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें वन यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें क्या कितना जीरो बोलते हैं, बोले ना चार्जलेस बोलो आप, चार्जलेस होता है। हीलियम का मास 4 AMU होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU मानते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास जो था 9.1×10⁻³⁻¹ kg माना जाता है बीटा के मास को, और गामा के मास को बात ही नहीं करना है, वो तो मासलेस है। जब उनको ये बातें मालूम होती हैं तो हमको ये मालूम हो जाता है कि अल्फा का मास 4×1.67×10⁻²⁷ kg होगा, यानी 6.68×10⁻²⁷ kg होगा, जबकि बीटा का मास आपको ऑलरेडी मालूम है और उधर तो मालूम ही है। यानी अगर मैं बात करूँ EM की, स्पेसिफिक चार्ज की, तो तय बात है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज आया था 1.76×10⁻¹⁰ कूलम्ब पर केजी, प्रोटॉन का आया था 9.58×10⁻¹ कूलम्ब पर केजी, और अल्फा का जो आएगा वो 1/2 ऑफ H+ आएगा। अल्फा का स्पेसिफिक चार्ज, अल्फा पार्टिकल जो डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस है उसका स्पेसिफिक चार्ज 1/2 ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ H+ आएगा। क्यों भाई, H+ में और हीलियम में क्या डिफरेंस है, तो बोले हीलियम का मास 4 यूनिट होता है, चार्ज 2 यूनिट होता है, तो EM तो 2 × 4 तो 2/4 यानी 1/2 ऑफ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 4.79×10⁻¹। यानी इन तीनों पार्टिकल में सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल में है, सबसे कम मास आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन में है,
स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। उससे कम किसका है? H प्लस का है। सबसे कम किसका है? अल्फा पार्टिकल का है। यानी स्पेसिफिक चार्ज का जो ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर एच प्लस आयन का, फिर उससे कम अल्फा पार्टिकल का होता है। और न्यूट्रॉन अगर इसमें शामिल कर लो रेस में तो न्यूट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं है, वो सबसे पीछे हो जाता है। तो ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन देन अल्फा पार्टिकल देन न्यूट्रॉन। तो ये स्पेसिफिक चार्ज का एक सिंप्लीफाइड ऑर्डर होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो रट्टा मारना है आपको, कोशिश करना है कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन इन सब के स्पेसिफिक चार्ज चार्ज मास इनका डेटा रट के रखिए। मेरी तो सलाह यही है, बाकी इंटेलिजेंसी अलग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटेलिजेंसी के साथ हो तो इसको एक्सप्लोजन कहते हैं नॉलेज का, और ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाओगे, आप बोलोगे नहीं मैं तो मेरे से बन जाएगा समय आने पे, दिस इज नॉट गुड। ओके, तो क्लियर हो गई बात कि हमको रेडियो एक्टिविटी में जो बेसिक ब्रीफ कंसेप्ट है इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो ये है, और इस पे अगर हम परफेक्ट हैं तो फिर आगे बहुत दिक्कतें आपको नहीं आने वाली हैं। क्लियर, तो आशा करता हूँ ये बनेगी आपको, अब ध्यान इसमें लगाओ। तो अब डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी हो जाने के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक। चैडविक महाराज ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और उसको ऑब्जर्वेशन किया, और कुछ नया तरह के पार्टिकल उनने देखे। क्या? तो चैडविक ने ये किया कि एक बेरिलियम की रॉड ले ली। बेरिलियम की ये रॉड है, बेरिलियम यानी 4 एटॉमिक नंबर 9 एटॉमिक मास, और यहाँ पर इस पे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। क्लियर, और यहाँ एक सर्कुलर डिस्क लगी हुई है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट है सर्कुलर डिस्क फॉर्म पे। तो जो इतिहास है वो ये है कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है बेरिलियम की रॉड से, तो बेरिलियम से रॉड से टकराने के बाद कुछ पार्टिकल निकलते हैं। ये पार्टिकल तो निकल रहे हैं जेम्स चैडविक को ऑब्जर्वेशन हुआ, क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जब निकलेंगे तो इस सरफेस पे फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे, चमक होगी। तो चैडविक ने सोचा कि यार रेडियो एक्टिविटी तो हो रही है, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है और बेरिलियम की रॉड से स्ट्राइक कर रहा है, फिर फोटोग्राफिक प्लेट में फ्लैशेस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो पक्का है कि कोई ना कोई पार्टिकल जो है वो निकल तो रहा है। अब ये पार्टिकल कौन है? तो इसके लिए थोड़ा सा इन्हें क्या किया, यहाँ पर चार्ज डिटेक्टर लगा दिया। चार्ज डिटेक्टर यानी वो जो बताएगा कि जो पार्टिकल है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जिससे कि हमको ये मालूम हो जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन ये पार्टिकल तो ना तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये तो सीधे सीधे भाग के जा रहे हैं। तो चैडविक ने कहा कि सिंस दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एंड आर नोन एज न्यूट्रॉन, तो इनका नामकरण हो गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल न्यूक्लियर पार्टिकल विच इज न्यूट्रल इन नेचर। रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना में न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी मिली। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मैं ये कहूँ कि रेडियो एक्टिविटी तो बाद में आप सीखोगे, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो रेडियो एक्टिव में ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये रूल चलता है कि यहाँ पर कोई एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा जो किसी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा, कोई नया एलिमेंट बनाएगा और साथ में खूब सारी एनर्जी भी निकल सकती है, कोई नया पार्टिकल भी निकल सकता है। ये जो कहलाता है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट बनाने की फिनोमिना। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ 4 to helium यानी अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो इस तरह से लिखोगे बेरिलियम 9-4 से स्ट्राइक कर रहा है तो हमको न्यूट्रॉन मिल रहा है। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करना है? एन 1 यूनिट मास 0 यूनिट चार्ज में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे?
बोलोगे यार 9 and 4 अपर लिमिट्स जो है एटॉमिक मास का सम कर लो 13 या 1 है तो बच्चा कितना 12, 4 2 6 और यहाँ पे यहाँ 4 and 2 6, यहाँ पे 0 है तो 6 कौन सा एलिमेंट बन गया, कार्बन। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखा है तो इसको आप समझो कि बेरिलियम की रॉड से स्ट्राइक कर रहा है अल्फा पार्टिकल तो हमको न्यूट्रॉन मिल रहा है साथ में कार्बन मिल रहा है। तो ये न्यूट्रॉन बनाने की मेथड है क्या, बोले ऐसे तो हजारों मेथड हो सकती है, ए प्लस बी कोई नया एलिमेंट न्यूट्रॉन, यहाँ पर कोई और कर दें, यहाँ कोई और कर दें तो ये कोई और बन जाएगा न्यूट्रॉन। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि क्या कि इक्वेशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी यहाँ पे बुद्धि नहीं ये इतिहास है, इसको एज इट इज आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का इक्वेशन क्या है। तो बंदे को याद रहेगा कि व्हेन द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स विद द बेरिलियम रॉड देन बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन बेरिलियम रॉड इज ट्रांसम्यूटेड इनटू कार्बन एंड अ न्यू टाइप ऑफ चार्जलेस मास पार्टिकल इज रिलीज्ड नोन एज न्यूट्रॉन। ओके, आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स तो हजारों हो सकते हैं, इक्वेशन हजारों बन सकते हैं, इतिहास तो एक ही होगा ना। तो जेम्स चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट था वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में पहली बात तो ये क्लियर हो गई क्या न्यूट्रॉन पार्टिकल है, बोलोगे हाँ लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा न्यूट्रॉन आर ऑल इज आल्सो अ पार्टिकल। अच्छा तो क्या ये मास कैरी करेगा, बोले हाँ मास तो कैरी करेगा गारंटी के साथ। कितना मास होगा, बोले प्रोटॉन से बहुत 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 स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन होते ही कह सकते हैं। तो प्रोटॉन का कितना था बेटा, बोले यार 1 AMU था, तो 1 AMU कितना था 1.76 × 10^11 गुलाम पर kg था, तो इसका कितना होगा, बोले 1.67 × 10^-27 कूलाम था, मैंने स्पेसिफिक चार्ज बोल दिया हाँ, तो 1.67 × 10^-27 kg ये था मास किसका, प्रोटॉन का। तो यहाँ कितना होगा, बोलोगे 1.67 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1.675 × 10^-27 kg इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, स्लाइटली हायर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। चार्ज की बात करें तो बोले आई चार्जलेस पार्टिकल है तो क्या जीरो चार्ज होगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि मैथमेटिकली जब मैं न्यूट्रॉन लिखता हूँ तो चार्ज जीरो लिखता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मैं चार्ज लेस बोलता हूँ। तो ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबलिक में जो नहीं है मैथमेटिकली वो जीरो रिप्रेजेंट होता है, लेकिन जो लैंग्वेज है बोलने की भाषा है उसमें कोई बोले कि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आप बोलोगे जीरो, तो ये गलत बात होगी, आपको बोलना होगा न्यूट्रॉन इज चार्ज लेस। ओके, क्लियर बात हो गई इतनी बातें। स्पेसिफिक चार्ज आप जानते हो कि जब चार इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नहीं है तो स्पेसिफिक चार्ज अनप्रेडिक्टेबल है, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओवरऑल मैंने आपको ये बताया कि स्पेसिफिक चार्ज का जो एक ऑर्डर बना उसमें ये क्लियर हो गया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है, देन प्रोटॉन का होता है, उससे कम अल्फा का होता है, और न्यूट्रॉन को तो अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन फिर भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये इतिहास है, तो आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में ये हिस्ट्री पोर्शन को इंक्लूड करके पढ़िए तो आपको मजा आएगा। और इस इक्वेशन को बहुत लाइटली लेना है क्योंकि आप अभी ऑब्जेक्टिव बुक्स देखोगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो है वो इतिहास क्या है और इक्वेशन क्या है, वो बातें आपको बननी चाहिए। अब आपको एटम के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये बात मालूम होगी। आपको ये मालूम है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, आपको ये मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, बस ये दो होते हैं। बोले यार मेरे सिलेबस में भी आगे बहुत बातें आएंगी तो मैं डिटेल पढ़ूंगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बहुत पार्टिकल होते हैं
अप्रॉक्सीमेटली 136 और मोर देन 136 पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आप जानते हो, इसके अलावा पोजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन, काई मेसॉन, कप्पा मेसॉन, टूलीट्रॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। ये बहुत बड़ी दुनिया है न्यूक्लियस के अंदर की, जिसको सीखने के लिए आप जैसे जैसे अपना अपग्रेडेशन करोगे, आगे बढ़ोगे और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में बहुत ब्रॉड स्टडी करोगे, तब आप ये सब जान पाओगे। अभी आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब आगे हमको इतनी जानकारी हो जाने के बाद जो असली एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल अप्रोच है, उसको सीखने की जरूरत है। उसको सीखने के लिए मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। लेकिन उसको सीखने के पहले मुझे पहले वेव नेचर का ज्ञान होना चाहिए। तो वेव नेचर कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, आप लोगों ने 9th-10th में भी सुना है कि वेव नेचर क्या होता है, यानी आप कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे। तो आपने सीखा हुआ है कि यह कोई भी अगर एक सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है, जैसे अगर मैं कहूँ आपको सुनाई दे रहा है तो नहीं, तब सुनाई दे रहा है, यानी कहीं पर भी, या पानी आप ले लो, पानी में पत्थर फेंको, जहाँ पर गिरेगा वहाँ से वेव यानी लहर डेवलप होगी। तो आप ये कहोगे कि वेव आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्टर्बेंस, जहाँ पर भी अव्यवस्था का केंद्र होगा, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस होगा, वहीं से वेव डेवलप होगी। ये कहाँ जाएगी? तो वेव जो होती है हमेशा एनर्जी के डायरेक्शन पे फ्लो होती है, यानी जिस तरफ एनर्जी का फ्लो होगा वेव भी उसी तरफ फ्लो होगी। तो वेव्स आर ऑलवेज प्रोपगेट टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं ग्राफ में एक्स एक्सिस लेके एनर्जी का डायरेक्शन बोलूँ और ये सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस बोलूँ, तो बच्चे आप लोग सब जानते हो कि वेव को रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया अप एंड डाउन। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको मालूम है, ये क्या है तो आप बोलोगे जो एनर्जी का डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन पाथ, ये एनर्जी का डायरेक्शन है। इस प्रोपगेशन पाथ में जो मैक्सिमम हाइट मिल रही है या डेप्थ मिल रही है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्लियर। लैंग्वेज में इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और इसको हम ट्रफ बोलते हैं, कितना आप जानते हो। दो क्रेस्ट की, नियरेस्ट क्रेस्ट की डिस्टेंस या दो नियरेस्ट ट्रफ की डिस्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मालूम है। अब इसमें चार बातों को आपको ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि आगे मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वो चार बातें बननी चाहिए। पहली बात, बोले यार क्रेस्ट, बोले मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव प्रोपागेशन को क्रेस्ट कहेंगे, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वेव प्रोपागेशन इसको ट्रफ कहेंगे। दूसरी बात, वेवलेंथ क्या है? बोले डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट क्रेस्ट और द टू नियरेस्ट ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। दो जो नियरेस्ट क्रेस्ट है या नियरेस्ट ट्रफ है उनके बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ है। ये बहुत छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि वेवलेंथ इज अ लेंथ, लेंथ से यानी लैम्डा को रिप्रेजेंटेशन जब देते हैं तो इसकी यूनिट जो होती है वो SI में अगर चलेंगे तब तो मीटर होगी। लेकिन एटम में जनरल लैंग्वेज में जो छोटी यूनिट यूज की जाती हैं तो आपको इसमें कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा कि एक तो 1 angstrom 10^-10 मीटर, एक 1 nanometer आपको क्लियर रखना पड़ेगा 10^-9 मीटर और एक 1 picometer 10^-12 मीटर, यानी ये कन्वर्जन फैक्टर आपको क्लियर रखने पड़ेंगे कि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10^-10 मीटर के बराबर है, नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर है और पीकोमीटर 10^-12 मीटर के बराबर है। ये छोटी सी बात है, कन्वर्जन फैक्टर है जिससे आप हैवी न्यूमेरिकल करोगे, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन जो होगा वो कन्वर्जन फैक्टर में दिया होगा, आंसर SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर दोनों पॉसिबिलिटी है, क्लियर। आगे आओ, एक और शब्द है और वो शब्द है फ्रीक्वेंसी। बच्चा फ्रीक्वेंसी बहुत कॉमन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर दिए? बोले फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया क्या है? बोले यार ये प्रोपागेशन पाथ है, इस प्रोपागेशन पाथ का कोई एक पॉइंट मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ, ये है, इस पॉइंट से
एक सेकेंड में मान लो एक सेकेंड में 100 वेव्स निकल रही है, तो मैं बोलूंगा कि एक सेकेंड में प्रोपागेशन पाथ के इस पॉइंट से 100 वेव निकल रही हैं, यानी फ्रीक्वेंसी इज 100 पर सेकेंड। तो कैसे डिफाइन करोगे? बोलोगे द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ सेंटर इन द प्रोपागेशन पाथ इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ सेंटर इन द प्रोपागेशन पाथ इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू की जनरल यूनिट फ्रीक्वेंसी की न्यू NEW नहीं NU न्यू 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट तो आप जानते हो सेकेंड इनवर्स हो सकती है या CPS यानी साइकिल पर सेकेंड हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन हर्ट्ज भी हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हम जनरली हर्ट्ज में या सेकेंड इनवर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा, ये फार्मूला है जो कि आपने खूब सुन रखा है या सुनोगे, इसको एज इट इज आपको याद होना चाहिए कि किसी भी वेव प्रोपागेशन में फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा इज द इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज मैनी मोर। तो कोशिश करिए, ज़्यादा यहाँ पे इधर उधर का भटकने की जरूरत नहीं है। न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा, तो जब सी वाई लैम्डा आया तो इसका मतलब यहाँ पर सी इंटू वन अपॉन लैम्डा, ये तो ये वन बाई लैम्डा क्या है? लैम्डा तो मुझे मालूम है, तो वन बाई लैम्डा क्या है? मैंने ये तो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा है। तो एक और टर्म आती है, उसको कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेव नंबर क्या है, तो ऐसा समझो ये जो पॉइंट मैंने लिया था इसको मैं अब थोड़ा बदल रहा हूँ। ये मान लो एक सेंटीमीटर की लेंथ है प्रोपागेशन पाथ में, तो वेव प्रोपागेशन पाथ के एक सेंटीमीटर लेंथ से जितनी वेव्स गुजर जाती हैं, या टाइम नहीं बोल रहा हूँ, एक सेंटीमीटर लेंथ बस बोल रहा हूँ, तो वेव प्रोपागेशन में एक सेंटीमीटर लेंथ से प्रोपागेशन पाथ की एक सेंटीमीटर लेंथ से जितनी वेव्स गुजरती हैं वो है क्या? वो है वेव नंबर। तो मैं कहूँ कि एक सेंटीमीटर से 1000 वेव निकल गई है, तो आप बोलोगे वेव नंबर जो है वो 1000 से पर सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स है। क्लियर? इसकी एसआई यूनिट मीटर इनवर्स आएगी, या CGS में जाओगे तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। दोनों में बातें क्लियर हो। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कहा? प्रोपागेशन के किसी एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितनी वेव्स निकल जाती हैं वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन प्रोपागेशन पाथ के एक सेंटीमीटर लेंथ से जितनी वेव्स निकल जाती हैं वो वेव नंबर है, और वेव नंबर इज ऑलवेज मैथमेटिकली इक्वल टू 1/λ। क्लियर? तो वेव नंबर हमेशा लैम्डा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो आपको ये बातों को बहुत सीरियसली ध्यान देना होगा कि फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और वेव नंबर, कन्वर्जन फैक्टर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर। मैं देखता हूँ इतने सालों में एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत जाती है। आप सब जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सबको मालूम है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं जो पूछ लो, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इसको बहुत इन्फीरियर डिफेक्ट मानते हैं, तो वो क्या आता है उनको पूछने में, बोलने में, बताने में शर्म महसूस होती है, मेरे से इतना छोटा नहीं बन रहा है। बच्चे इसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा बहुत बड़े बड़ों से नहीं बनता है, इसमें कोई गलती नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि ये गलत ना हो, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और गलत हो जाए तो एक्सेप्ट इट, आप स्वीकार करो कि ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के आगे के कंसेप्ट को आपने देख लिए। रेडियो एक्टिविटी आपको बेसिक्स जो है अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो आप समझ पा रहे हैं। वेव नेचर ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि वेव नेचर में वेव लेंथ क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, क्योंकि इसको सीखने के बाद अब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर शुरू होंगी वो बातें जो आपको लर्निंग फेज में बहुत ज़रूरी हैं, उसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, और वो होगी क्या, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द एटम। मॉडल में प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का आया, फिर रदरफोर्ड ने कुछ कहानी सुना डाली, फिर उसके बाद तो फिर दाढ़ आ गई और बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बताई और हम छोटे छोटे बच्चों का कष्ट बढ़ा दिया। तो देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड पार्ट, जिसमें हम अलग अलग मॉडल्स की स्टडी करेंगे और डिटेल देखेंगे, उसकी मैथमेटिक्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।